तो बड़ी जानकारी, सोनिया गांधी ने भरा नामांकन। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन सोनिया गांधी भर चुकी है और ये नामांकन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सोनिया गांधी के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आए। सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है राजस्थान से। राज्यसभा की प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया। तो जयपुर में आज सोनिया गांधी ने भरा नामांकन। कांग्रेस ने राज्यसभा के नाम घोषित किए और सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। सोनिया गांधी नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं और साथ ही साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आपको सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं, लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इससे लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को बल मिलेगा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करे, इसे लेकर कार्यकर्ता जान लगा देंगे। ऐसी बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने गोविंद सिंह डोटासरा कहते नजर आए। आपको इस वक्त तस्वीरों में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। अपना नामांकन सोनिया गांधी दाखिल कर चुकी हैं। विधानसभा पहुंचकर सोनिया गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया, राज्यसभा सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल किया सोनिया गांधी ने। राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी, उनके साथ नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के लिए अपने तमाम कैंडिडेट्स की घोषणा कर चुकी है और वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान से सोनिया गांधी को चुना गया है। यानी अब आपको सोनिया गांधी लोअर हाउस की जगह अपर हाउस में नजर आएंगी, लोकसभा की जगह आपको राज्यसभा में सोनिया गांधी नजर आएंगी। अब तक तो सोनिया गांधी को लोकसभा में देखा गया, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर वहां से जीत दर्ज कर सोनिया गांधी लगातार लोकसभा की सदस्य बनी और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में सोनिया गांधी की एंट्री और राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी। नामांकन उनके द्वारा दाखिल किया जा चुका है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और सोनिया गांधी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और इसी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। और जब सोनिया गांधी का स्वागत यहां पर किया गया उस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक वेलकम स्पीच भी दी और साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी चुने जाने को लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बल मिलेगा, कांग्रेस को और ताकत मिलेगी और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक एक कार्यकर्ता पुरजोर मेहनत करेगा, जान लगा देंगे। ऐसी बात गोविंद सिंह डोटासरा कहते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस की अच्छी जीत लोकसभा चुनाव में हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, अब आपको सोनिया गांधी राज्यसभा में नजर आएंगी। सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से राज्यसभा का प्रत्याशी चुना है और ये नामांकन की इस वक्त आप देख रहे हैं।
जाएंगी सोनिया गांधी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें हैं। उसके अलावा जो स्वागत कार्यक्रम कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का किया, इस कार्यक्रम की भी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत टीकाराम जूली और साथ साथ सचिन पायलट सोनिया गांधी को बुके देकर उनका स्वागत करते नजर आए।